हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है पफ राइस की टिक्की। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं इस नाश्ते को कैसे बनाते हैं और इस नाश्ते को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घोल ले लिया है। अभी मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू को इस तरह से थोड़ा सा मैश करके ले लिया है। एक बड़ा साइज का आलू लिया है मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चार पांच हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर ली है, वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हरा धनिया को कट करके डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज के प्याज को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कलर के लिए थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच, और इन सभी को डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कप मुरमुरे ले लिया है, देख सकते हैं आप, यानी कि पफ राइस। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना है, और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने सभी मुरमुरे को अच्छी तरह से मिक्स कर ली है आलू के साथ। अभी क्या करेंगे, हाथ में इस तरह से थोड़ा ऑयल लगा देंगे और इस तरह से थोड़ा लेंगे और इसको एक टिक्की जैसा शेप दे देंगे। तो देखिए आप इसको कैसे टिक्की जैसा शेप दे देती हूँ। तो इस तरह से सभी को बना लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरह से टिक्की जैसा शेप दे देना है। तो इस तरह करके सभी को बना लेंगे। तो इस तरह करके सभी को बना लिया है मैंने, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने पहले से ही एक पैन पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। अभी इस तरह एक एक करके टिक्की को डाल देंगे। तो इस तरह करके मैंने सभी टिक्की को डाल दिया है। अभी गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इसको 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। तो 2 मिनट हो चुका है। अभी हमारा जो टिक्की है उसको पलट देंगे। तो इस तरह से इसको धीरे से पलट देंगे और दूसरे साइड को भी फ्राई होने के लिए रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुका है, दूसरा साइड को भी इस तरह से पलट देंगे। देख सकते हैं आप, वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है दूसरा साइड। और अभी इसको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे एक प्लेट पे निकाल लिया है। अभी फिर से उसी तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इस तरह से थोड़ा फैला देंगे, और फिर से जो टिक्की बची थी उसको इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह करके मैंने सभी को बना लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्लेट पे भी निकाल ली है। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो हमारा टेस्टी एंड मज़ेदार मुरमुरा स्नैक्स बनकर तैयार है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से बनाकर खाने से। तो ये नाश्ता अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ते को खाने से। तो आप लोग भी इस नाश्ते को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी आज की
रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।